प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कई बड़े फायदे खाताधारकों को दिए जा रहे हैं। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आपके बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं है, तब भी आप 10,000 रुपये तक का पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, 10,000 रुपये तक का आप लाभ ले सकते हैं। यह लाभ आप कैसे ले सकते हैं, वह हम आपको इस वीडियो के बारे में तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। तमाम जानकारी आपको दी जाएगी, किन व्यक्तियों को यह लाभ मिलने वाला है, क्या नियम निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप भी 10,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कैसे आप यह लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। बस आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें करीब करीब सभी देशवासियों ने खाता खुलवा रखा है। इस जनधन योजना में कई बड़े फायदे खाताधारकों को दिए जाते हैं। कई बड़ी योजनाओं का लाभ भी इस योजना में आप ले सकते हैं। उसी तरह से एक और बड़ी सुविधा इस जनधन खाते में दी गई है कि अगर आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है, तब भी आप 10,000 रुपये तक का पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि यह रकम निकालने के लिए आपको कई बड़े नियमों का पालन करना होगा। और दोस्तों, इसके अलावा और भी कई बड़े फायदे हैं जो आप अपने खाते से ले सकते हैं। वह कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने ग्राहकों में बैंकिंग सुविधा का विकास करने के लिए जनधन खाते की शुरुआत किया था। इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं का पैसा भी आम जनता को इसी खाते में मिलता है। अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़, अधिक बारिश, ओले, किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो उसका मुआवजा भी सरकार प्रधानमंत्री जनधन खाते में ही ट्रांसफ़र करती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, वह किस प्रकार से दिए जाएंगे। देखिए, सरकार इस खाते में ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देती है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, आप तब भी 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा को ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले यह रकम 5,000 रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर सरकार ने 10,000 रुपये कर दिया है। अब यह लाभ आप कैसे ले सकते हैं, क्या नियम है, उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह जो लाभ है कौन ले सकता है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम जो आयु निर्धारित की गई है वह 65 साल निर्धारित की गई है। यानी कि अगर आपकी उम्र 65 साल है तो आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। साथ ही आपका जो प्रधानमंत्री जनधन खाता है वह 6 महीने पुराना भी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं होने पर केवल 2,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो आपको कई बड़े नियमों का पालन करना होता है, लेकिन अगर आप 2,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के रूप में निकालना चाहते हैं तो आपको अधिक शर्तों का पालन नहीं करना पड़ता है। इसमें आप बहुत ही जल्द 2,000 रुपये की सुविधा ले सकते हैं, 2,000 रुपये ओवरड्राफ्ट आप निकाल सकते हैं। और भी इसमें कई बड़े फायदे हैं, जैसे कि आपका आकस्मिक मृत्यु बीमा है, और इसमें दोस्तों आपका और भी कई सुविधाएं हैं। जैसे कि आप किसी भी अदर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको दिया जाता है। तो यदि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।